सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं कवित्री थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे सतारा मार्ग पर स्थित नैगांव में हुआ था। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। सावित्रीबाई फुले ने 2 काव्य पुस्तकें काव्य फुले, 52 कशी सुबोध रत्नाकर भी लिखी। उन्होंने एक कविता में लिखा, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक एकता के लिए जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उनका पूरा जीवन गरीब, वंचित तबके और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में बीता। 10 मार्च 1897 को उनका निधन हुआ।